हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज मैं सुबह सुबह आया हूँ एक न्यू व्लॉग शूट करने। और आज का जो व्लॉग है वो अपन चेंज करने वाला है, इसका वाइजर, जो पुराना वाला वाइजर था वो मैंने हटा दिया और एक न्यू वाइजर मैंने ऑर्डर किया था तो वो अपना आ चुका है और पार्सल मेरे हाथ में है, अमेजन से मंगवाया था। तो इसका फटाफट अपन अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो पहले मैं आपको इसको अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूँ पूरा। एक्चुअली मैंने देख लिया था तो फिर भी आपको दिखा देता हूँ एक बार फिर से। तो एक सिंपल सी पैकिंग है, मेरे को पैकिंग कुछ खास नहीं लगी। आई थिंक इसके साथ बबल रैप आनी चाहिए थी लेकिन इन्होंने सीधे सिंपल सा थैली के अंदर डाल दिया इसको और बस सिंपल सा बॉक्स में से उन्होंने भेज दिया तो वो है। और ये जो न्यू वाइजर है ये वाला है तो बहुत ही अच्छा है, बबल वाइजर है। तो ये अपन इसमें लगाने वाले हैं एमटी में अपना। तो ये अपना एमटी में लगने वाला है और बताओ कैसा लग रहा है, बहुत ही शानदार लगने वाला है, यहाँ पे इंस्टॉल होने वाला है। तो फटाफट अपन इंस्टॉल कर लेते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ अपने एमटी एक न्यू वाइजर के साथ में, न्यू लुक के साथ में। तो आप बताना कमेंट करके कैसे लग रही है। पुराना वाला वाइजर आपको पुराने वाले वीडियो मिल जाएगा, वो अपना मेटल वाला वाइजर था एमटी के लोगों के साथ में, तो वो अपन ने चेंज कर दिया। अपन इंस्टॉल करने वाले बबल वाइजर। एक्चुअली मैंने मैट फिनिश में ढूंढ रहा था लेकिन मैट में नहीं था, ये ग्लॉसी में मिला मुझे क्योंकि अपनी बाइक है मैट फिनिश कलर के साथ में। तो ये है ग्लॉसी, तो आई थिंक मेरे हिसाब से ठीक ही लग रहा है, अच्छा लग रहा है। बाकी इसको इंस्टॉल करके आपको फाइनल लुक दिखाता हूँ। तो इंस्टॉल करने के लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना, आपको एक एलंकी चाहिए होगी। तो ये एलंकी आपको चाहिए होगी, इसके ये चार स्क्रू खोलना है आपको यहाँ से और आसानी से खुल जाएंगे और इसको वापस यहाँ पर लगा के और स्क्रू आपको टाइट कर देना है। तो ये आपको मैं करके दिखा देता हूँ। तो अब फटाफट अपना वाइजर इंस्टॉल कर लेते हैं और इंस्टॉलेशन के सबसे पहले मैं ये स्क्रू यहाँ से हटा देता हूँ। और सबसे पहले आपको स्क्रू ये एलंकी के थ्रू खोल देना। तो फटाफट मैं इस स्क्रू ओपन कर लेता हूँ। तो चार स्क्रू ओपन हो चुके हैं और अब अपन इसको इंस्टॉल करने वाले हैं यहाँ पे और कुछ इस तरह इसको यहाँ पे फिट करना। और पहले आपको सिंपल में एक एक स्क्रू यहाँ पे डाल देना है, यहाँ पे हल्का सा टाइट कर देना, एक बार पूरा टाइट नहीं करना आपको, पहले चारों को चार स्क्रू उसको बराबर लगा देना क्योंकि थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा तो आपको फिर फिक्स नहीं होगा बाद में। तो अभी इनको हल्का हल्का टाइट कर लेते हैं पहले ताकि अपनी जगह से ही लेना। अभी इनको अच्छे से टाइट कर देना चारों को फिक्स होने के बाद में, ज़्यादा टाइट नहीं करना, बस इतना करना है कि बस ये ही लेना विंड ब्लास्ट में। और फिक्स हो चुकी है अपनी वाइजर, तो ये इंस्टॉलेशन पूरा कंप्लीट हो चुका है। और अब आप देखो फाइनल लुक कैसा लग रहा है, पुराना वाला वाइजर अच्छा लग रहा था, ये वाला नया वाला वाइजर आप देख के बता सकते हो। और ये है इसका फाइनल लुक। तो ये मैंने अमेजन से परचेज़ किया था, अराउंड 350 का मेरे को पड़ा था। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हो जाके। और बहुत ही अच्छा लग रहा है साइड लुक आपको, बाकी इसके सिनेमेटिक शॉट्स भी डाल दूँगा तो वो भी आप इन्जॉय कर सकते हो। बस आज का व्लॉग यहीं तक था। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपने अभी तक मेरा इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो एमटी राजा एजे के नाम से। और आपको ऐसे अमेजिंग कंटेंट और मिलता रहेगा, तब तक के लिए बाय।